चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे पता करना है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो हमारे इस आई बटन में यहाँ पे चीज समझाया गया है, आपको वो अगर देख लेते हैं वीडियो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 into cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec का वैल्यू, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3। ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 इसका स्क्वायर डिवाइड में tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा √3 × √3 तो √3 × 3 ये हो जाएगा 3 का जोड़ा है बना हुआ तो एक जोड़ा निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये 3/4, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1 डिवाइड में ये क्या हो गया 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 4 × 4 3 × 1 3। चलो तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा ना, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 कितना बार में जाएगा, 4 के टेबल से कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 के टेबल से कितना बार में जाएगा 4 बार में, 4 16 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64। फिर यहाँ 1 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 12 बार 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12 है ना। भैया नीचे में कितना हो गया 1 + 3 3 और 1 4 4/4 ये हो गया कट के 1। चलिए अब इसको देखते हैं, तो यहाँ 15 में 12 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 3 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 3 3 में 64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67/12 यही तो है आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।